निर्देशक प्रकाश झा की सीरीज आश्रम जारी होने के बाद से ही काफी विवादों में रही है। इसके बाद आश्रम का दूसरा पार्ट आश्रम चैप्टर 2 आया। अब ये वेब सीरीज फ्रेंचाइजी में बदल गई है। तमाम विवादों के बाद भी झा इसका तीसरा पार्ट लाने जा रहे हैं, जिसमें कांशीराम बाबा की हकीकत संसार के सामने आएगी। यानी कि दर्शकों को जिसका इंतजार था वो जल्द ही प्रकाश झा लोगों के सामने लाने वाले हैं। आपको बता दें कि वेब सीरीज आश्रम में कांशीराम बाबा की प्रमुख भूमिका बॉबी देओल ने अदा की है। सीरीज में बॉबी की एक्टिंग को फैंस ने काफी सराहा है। इसके साथ ही बॉबी और त्रिधा चौधरी के इंटीमेट सीन ने भी काफी सुर्खियां बटोरी है। यहाँ तक कि सीजन 2 के दर्शकों ने उस सीन के कारण कई बार इसे देख डाला है। स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आँखों से। हालांकि पहले सीजन की तरह दूसरे सीजन में लोगों को मजा नहीं आया। ऐसे में झा ने आश्रम के तीसरे पार्ट का विचार सामने रखा है। साथ ही उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान कहा है कि जैसे ही सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होती है हम तीसरे सीजन के शूट का शेड्यूल तैयार करेंगे। फिलहाल चीजें थोड़ी ठीक हो रही थी कि हाल ही में एक नए संक्रमण के बारे में सुनने को आ रहा है, जिससे शूट शुरू करने में कुछ वक्त लग सकता है। साथ ही प्रकाश झा ने बताया कि वो इस सीरीज को शीघ्र बनाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो आश्रम के तीसरे पार्ट की शूटिंग मार्च अप्रैल 2021 से शुरू हो सकती है। इसके साथ ही प्रकाश झा ने साफ किया कि ये तीसरा सीजन काफी दिलचस्प होने वाला है। इसमें कांशीराम बाबा के हर बोल का खुलासा होने वाला है, जिसका दर्शकों को काफी वक्त से इंतजार था। बिग न्यूज 24x7 से संपदा झा।